हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश कुमार फ्रॉम एस के सी हजारीबाग। और आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एक रियल नंबर चैप्टर क्लास टेंथ का एक क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या। यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1651 एंड 2032। एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ 1651m प्लस 2032n। अगर भी आप वीडियो को अच्छे तरह समझना चाहते हैं तो प्लीज़ पीछे जाके पीछे का वीडियो, खास करके यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीज़न लेमा को ज़रूर देखें, ताकि वीडियो को अच्छा से समझ पाएँ। ठीक है, और शुरू से देखें, 1 2 3 4 5 पार्ट करके, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट। ठीक है, पार्ट 5 डायरेक्ट देखेंगे तो शायद समझ में अच्छा से नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। बोला है क्वेश्चन में कि हमको यूक्लिड डिवीज़न यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए 1651 और 2032 को एचसीएफ निकालना है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, एच सी एफ निकालने के बाद क्या बोला है कि उस एच सी एफ को हमें इस फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस कर देना है। ठीक है, ये फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस कर देना है, ध्यान दें। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमारा, हम लोग यूज़ करते हुए यूक्लिड्स एल्गोरिथम एच सी एफ निकाल लेते हैं। तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देने पे आएगा 1 टाइम में 381 रिमाइंडर। फिर इसको ये वाला यहाँ कॉपी हो जाएगा और 381 4 टाइम्स में इतना आएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट करके 127, और ये फिर रिमाइंडर बच गया जिसके वजह से ये यहाँ कॉपी होगा, और फिर ये 3 टाइम्स में इतना आएगा और फिर 0। ठीक है, और जैसे ही 0, ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन बोला था यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। तो 2031 2030, इस स्टेप को लिखने के लिए मैं यहाँ देखूंगा, 2031 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1651 × 1 + 381। फर्स्ट स्टेप लिखा गया, इक्वेशन 1 मान लूँगा क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस करना है, उसमें इक्वेशन हेल्प करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए हम लोग इस स्टेप को देखते हैं। तो 1651 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 381 × 4 + 127। नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए ये देखेंगे तो 381 इज इक्वल टू 127 × 3 + 0। ठीक है, तो जिस स्टेप में आर का वैल्यू 0, तो उसी स्टेप में हम लोग बी का वैल्यू देखते हैं, वो हो जाता है 127, और वो हमारा आंसर हो जाता है। ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा के हिसाब से ए है, ये बी है, ये क्वेश्चेंट है, ये रिमाइंडर यानी क्यू है, तो बी का वैल्यू 127। यहाँ तक तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जो आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। अब देखिए, हमें इस एच सी एफ को एक्सप्रेस कर देना है इसके फॉर्मेट में, 1651m और 2032n के फॉर्मेट। इसको एक्सप्रेस करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन टू हमारा कहाँ है, ये क्यों इसको यही इक्वेशन क्यों सेलेक्ट की, तो इक्वेशन सेलेक्ट करने का हमारा पहला रीज़न ये है कि इसमें एच सी एफ आया है। ठीक है, 127 जो एच सी एफ को हमें एक्सप्रेस करना है, जिस एच सी एफ को इस फॉर्मेट में हमें एक्सप्रेस करना है, वो इसी में आया है, 127 वाला। ठीक है, और आप इसमें भी आया है 127, लेकिन इसको लेने के लिए हमारे पास एक अच्छा रीज़न है, क्योंकि इसमें मैं 127 का वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1651 माइनस ये पूरा टर्म आसानी से निकल जाए, लेकिन इसमें आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और प्रॉब्लम होने के बाद भी आप सॉल्व भी कर लोगे तो 381 आ जाएगा, जो कि हमें 381 नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए क्या, 1651 और 2031, 381 का वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये इक्वेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये इक्वेशन जब सेलेक्ट कर लिए तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ से 127 का वैल्यू भी निकालते हैं, क्योंकि हमें एच सी एफ को एक्सप्रेस करना है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको इधर रख दीजिए, बाकी टर्म को उधर भेज दीजिए, तो 1651 में ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस। अब 16 कॉपी, ये फिर से कॉपी, और इसका क्या किए, 381 तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए 1651m + 2032 इसमें लाना है। तो हमें सारे नंबर जितने भी आएंगे सिर्फ 1651 और 2031 को छोड़ के बाकी सबको रिप्लेस कर देना है। तो 381 को हम लोग रिप्लेस करेंगे, 381 को रिप्लेस करने के लिए सोचते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये। अगर भी मैं इसके ले लेता, इसको ले लेता हूँ, तो इसमें फिर से प्रॉब्लम होगा, 381 का वैल्यू निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, इसको इसमें माइनस करना होगा, फिर डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, और इसको अगर भी सोचते हैं तो इससे हमारा 381 का वैल्यू आसानी से भी निकलेगा, और साथ ही साथ ये दोनों ये 2032 और
1651 दोनों वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आ पा रहा था और एडिशनल 127 भी आ जाता है इसको लेने से, तो इसलिए मैं इक्वेशन 1 लूँगा, ठीक है। तो यहाँ क्या किया है मैंने, फिर इक्वेशन 1 को यूज़ किया है, तो यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग 1, ठीक है। अब यहाँ 1 यूज़ करके क्या किया हम लोग, इसका 381 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 381 का 2032 माइनस 1651, 1 इंटू में था यहाँ पे, जो कि छुप जाएगा, 1 से इंटू करना ना करना बात तो बराबर है। अब ये कॉपी, ये भी कॉपी, ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ध्यान दे कि ये तो इंटू हो ही रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, 4 भी, यानी माइनस 1 और 4 दोनों साथ में इंटू हो रहा है, तो इसको हम साफ साफ बोल सकते हैं कि ये माइनस 1 इधर और 4 इधर, तो माइनस 4 को इंटू कर रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस, और इधर 4 था तो ये 4 को भी लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस कर दिए, इधर 4 था तो इंटू 4, यहाँ तक समझ गया। नेक्स्ट स्टेप 127 कॉपी, ये भी कॉपी। अब हमको क्या करना है कि इसको देखिए, तो ज़रा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम जैसा है, एक ही जैसा है, तो दोनों लाइक टर्म जैसा है, तो एक साथ लिख दिया दोनों को, ठीक है। और ये वाला टर्म को अलग करके लिख दिया, तो इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं कि माइनस था यहाँ प्लस कर दिए, तो ये, और यहाँ जो प्लस 4 था इंटू में था ना, तो इसको प्लस 4 को माइनस 4 बना दिए, बात तो अभी भी बराबर है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा पूरा टर्म, ये भी माइनस में था। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कॉपी, ये कॉपी, अब ये वाले, सॉरी ये कॉपी नहीं, इसमें देखिए 1651 दोनों में ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, तो ये इस टर्म से हम लोग 1651 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, बीच में प्लस था प्लस देंगे, यहाँ ये बाहर निकल जाने के बाद बचेगा 4, प्लस का साइन था प्लस देंगे, और इधर का डिट्टो कॉपी कर देंगे, फिर कॉपी इसको भी लिख दिए, 4 1 5 हो जाएगा, और ये 2022 को कॉपी कर लें, इंटू 4 था, माइनस 4 लिख लिए। अब ये फिर से कॉपी, 5 के जगह m लिख दिए हैं 2032, और ये माइनस 4 के जगह n लिख दिए हैं, तो फिर m का वैल्यू क्या हो गया, वेयर m का वैल्यू क्या होगा, 5, और n का वैल्यू 4। और क्वेश्चन में यही बोला था कि आप HCF को, यानी कि 127 को इसके फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप चाहते हैं कि इसी तरह एक वीडियो और भी देखें, तो प्लीज़ इसके आगे का वीडियो का जो ये पार्ट 5 है, तो इसके आगे का पार्ट को देखें, सेम टाइप का क्वेश्चन एक और करेंगे हम लोग।